हाय गाइस, आप स्वागत है न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 5 कैमरे वाले डिवाइस की। पहले हमारे पास आता था सिंगल कैमरे वाला डिवाइस, उसके बाद डुअल कैमरा सेटअप हमें मिलना शुरू हुआ, अभी हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप और किसी किसी फोन में 4 कैमरे भी हमें मिलते हैं। लेकिन आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे 5 कैमरे वाले डिवाइस की, जो कि है नोकिया 9 प्योर व्यू। 5 महीने पहले लॉन्च हुआ था ये डिवाइस और नोकिया को अब याद आया कि इंडिया में भी लॉन्च करना है, तो अब ये डिवाइस आ गया है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कैसा है ये डिवाइस। सबसे पहले देखेंगे हम डिवाइस को। ये रहा हमारा डिवाइस। हमारे पास इसका मिडनाइट ब्लू कलर है और डिवाइस देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके अंदर हमें एक ग्लास बॉडी मिलती है और एकदम प्रीमियम लुक, प्रीमियम फिनिश मिलेगी आपको एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ। होल्ड करने में डिवाइस आपको सॉलिड लगेगा और पूरी तरह आपके हाथ में आ जाएगा। इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो 155 mm इसकी हाइट है, 75 mm इसकी विड्थ और 8 mm इसकी थिकनेस। साथ ही ये डिवाइस हमारा 172 grams का है, तो इजीली आप इसको होल्ड करके यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपको इस डिवाइस के ऊपर IP67 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है और लुक वाइज डिजाइन हमारा बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। बैक में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एंड्रॉयड 1 की बैजिंग दी हुई है, तो आपको इस डिवाइस में गूगल अपडेट्स, एंड्रॉयड अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। उसके बाद हमारी नोकिया की बैजिंग है और उसके ऊपर आते हैं हमारे कैमरास। बैक में आपको 5 कैमरास मिलते हैं, डुअल LED फ्लैश मिलता है और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का 3D कैमरा भी मिलता है। और अभी मैं आपको बताती हूँ इसके कैमरा के बारे में। उसके ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है। नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारे पास टाइप सी पोर्ट है और उसके साथ माइक है, साथ में स्पीकर्स हैं और राइट साइड में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप साइड में हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है और उसके साथ है हमारा सिम स्लॉट, जो कि हमारा एक हाइब्रिड स्लॉट है। आप इसमें 2 सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड डाल सकते हैं। लेफ्ट साइड एकदम क्लीन है डिवाइस की और फ्रंट में आप देख सकते हैं ईयरपीस है, उसके साथ हमारे पास सेंसर्स दिए हुए हैं, साथ में सेल्फी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का और उसके साथ नोकिया की बैजिंग। इसके डिजाइन में हमें 3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इन डिस्प्ले वाला मिलता है। तो डिजाइन वाइज, लुक वाइज तो डिवाइस हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स आपके बहुत सारे आएंगे, तो आपको क्लीन करना पड़ेगा बार बार इस डिवाइस को। इसके अलावा देखने में ये डिवाइस हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्विच ऑन करते हैं और नजर डालते हैं इसके कैमरास पे। सो डिवाइस को मैंने स्विच ऑन कर लिया है, सेटअप कर लिया है और बैक में आप देख सकते हैं हमें मिलता है 5 कैमरा सेटअप, जो कि हमारे कार्ल ज़ीस के कैमरास हैं, जो इसमें 5 कैमरास हैं, पांचों आपको 12 मेगापिक्सल के कैमरास मिलते हैं 1.82 अपर्चर के साथ, जिसमें से 2 हमारे RGB लेंस के हैं और 3 हमारे मोनोक्रोम लेंस के। उसके साथ हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का 3D कैमरा आता है, साथ में डुअल LED डुअल टोन फ्लैश मिलता है हमें। इसके कैमरा में आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं, HDR ऑन कर सकते हैं, पिक्चर इन पिक्चर शॉट ले सकते हैं, मोनोक्रोम शॉट ले सकते हैं, 5x जूम ले सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड, पेनोरमा शॉट, बहुत सारे शॉट्स हैं और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और स्लो मोशन शॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही आप इसके कैमरा सैंपल्स भी देख सकते हैं। पिक्स के अंदर हमें डिटेलिंग अच्छी मिल रही है, बट वैसे इमेज प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर। और उसके साथ आप देख सकते हैं कलर्स को भी आप बूस्ट भी कर सकते हैं अगर ब्यूटी मोड ऑन कर देंगे तो, वरना नॉर्मली आपको वैसे भी कलर्स ठीक मिल रहे हैं इस डिवाइस के अंदर। वैसे डिटेल रिव्यू करेंगे हम इसका, उसमें डिटेल में देखेंगे कि कैमरा आपका एक्चुअल में कैसा है। उसके साथ वैसे सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा की पिक्स हैं वो मुझे इतनी बढ़िया नहीं लगी, एक तो उसकी इमेज प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है और उसके साथ एक्सपोजर को इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, वाइट बैलेंसिंग इतनी अच्छी नहीं है पिक्स की, तो सेल्फी कैमरा तो एक्चुअली मुझे इसका इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बैक कैमरा हमारा काफ़ी सही था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डिवाइस की अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसमें पुराना जमाने वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा, मतलब 18:9 स्क्रीन रेशियो वाला डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि हमारा 5.99 इंच का डिस्प्ले है, PULED डिस्प्ले है ये और 2K आपको इसके अंदर रेजोल्यूशन मिलती है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। ब्राइट डिस्प्ले है लेकिन बीजल्स बहुत ज़्यादा हैं ऊपर नीचे और साइडों में भी, तो डिस्प्ले आपको वैसे देखने में मज़ेदार नहीं लगेगा लेकिन यूज़ करने में ठीक लग रहा है। उसके साथ प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, उसके साथ एडिनो 630 के ग्राफिक्स, साथ में एंड्रॉयड पाए और हमारे पास एंड्रॉयड 1 भी है, साथ ही 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है आपको। और अगर इस डिवाइस के प्राइस की बात करें तो ये हमारा 50,000 रुपये का डिवाइस है। इसका खरीदने का लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब इस डिवाइस को एक्चुअली में नोकिया ने पिछले साल लॉन्च करना था, उस हिसाब से 845 उन्होंने हमें प्रोसेसर दिया था, लेकिन वो लेट हो गए बाहर ही लॉन्च करने में और उसके बाद इंडिया में अभी और 5 महीने बाद लॉन्च किया है।
तो ये 10-11 महीने लेट हो गया डिवाइस लॉन्च होने में, इसीलिए आपको स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिल रहा है, 855 नहीं मिल रहा। वैसे डिवाइस का अगर एंतुतु स्कोर देखें तो आपको 273 का स्कोर मिलता है, और मैंने अभी जैसे छोटी गेम खेली इसके अंदर जो चल रही है, इसके अलावा एंतुतु स्कोर निकाला था और पिक्स क्लिक करने में भी ये डिवाइस हमारा थोड़ा हीट हो रहा है। वैसे हम इसकी डिटेल टेस्टिंग कर लेंगे, पबजी भी इसमें खेल के देखेंगे कि कैसी चलती है और हीटिंग इशू रहता है या नहीं रहता। मैं पूरी तरह इस डिवाइस को यूज़ करूँगी कुछ दिन और पूरी टेस्टिंग करके आपको एक कंप्लीट रिव्यू में बताऊँगी कि डिवाइस एक्चुअल में हमारा कैसा है। अभी के लिए देखा जाए तो गेम तो हमारी ये ठीक चल रही है, लेकिन थोड़ा सा डिवाइस पीछे से हीट हो रहा है। इसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें फिंगरप्रिंट लॉक, फेस अनलॉक मिल जाता है, और फेस अनलॉक आप देख सकते हैं स्लो है, मतलब फ्लैगशिप डिवाइसेस के हिसाब से फेस अनलॉक हमारा स्लो है, इतना फास्ट नहीं वर्क कर रहा। और इवन जो इसका फिंगरप्रिंट लॉक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक हमें जो मिलता है वो भी हमारा फास्ट नहीं है, और एक्यूरेसी भी नहीं मिलती आपको उसके अंदर, मतलब 10 में से 6-7 बार तो वो खोल देगा, 3-4 बार वो आपका नहीं खोलेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी का इशू है, ये भी एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये ठीक हो जाएगा अगर नोकिया जल्दी अपडेट लाता है। अब इसके साथ अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो हमें थोड़ी छोटी बैटरी मिलती है 3320 mAh की, और मेरे को लगता है कि थोड़ी बड़ी बैटरी दे देनी चाहिए थी, इससे तो डिवाइस शायद एक दिन पूरा ना निकाल पाए। इसके बाद आपको इस डिवाइस के अगर हम बॉक्स कंटेंट पे नजर डालें तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी इजेक्शन पिन, उसके साथ इस बॉक्स के अंदर हैं हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा कनेक्टर 3.52 टाइप सी वाला, इसके अंदर आपको 3.5 जैक नहीं मिलता तो इसलिए आपको कनेक्टर मिलता है साथ में। और ये हमारे ईयरफोन्स, इन प्लग ईयरफोन्स हैं ये हमारे, और इसके अंदर भी हमें 3.5 हेडफोन जैक मिलता है, टाइप सी वाले नहीं है ये। इसकी ऑडियो टेस्ट में हम क्वालिटी चेक कर लेंगे वैसे कि कैसे हैं यूज़ करने में। साथ में ये है हमारी टाइप सी केबल, और उसके साथ ये है हमारा चार्जर जो कि 18 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जर मिलता है आपको, और वैसे डिवाइस आपका वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें जी सेंसर, ई कंपास, गायरोस्कोप, हॉल सेंसर, बैरोमीटर, हैप्टिक वाइब्रेटर और बायोमेट्रिक जैसे सेंसर्स भी मिलते हैं। सो गाइस, ये था हमारा नोकिया 9 प्योर व्यू, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ऐसे नाम हो रखा था कि 5 कैमरे वाला डिवाइस आएगा, बहुत ही कमाल का डिवाइस होगा, लेकिन डिवाइस के अंदर कैमरे के अलावा देखा जाए, मतलब बैक कैमरा जो है वो बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा कुछ ज़्यादा दिया नहीं गया है। सो मुझे तो एक्चुअल में डिवाइस ओवरऑल ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे और अगर एक्चुअल में मुझे कमेंट करेंगे नीचे, तो मैं इस डिवाइस को कुछ दिन यूज़ करूँगी, इसकी पूरी टेस्टिंग करूँगी और फिर मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगी डिटेल में। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊँगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।